तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा मेरा जो एक चैनल है मोनेटाइज हो गया है। फाइनली एक चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है। तो सिंपली आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा मोनेटाइज हो जाने के बाद सिंपली यूट्यूब स्टूडियो का जो फीचर्स है वो इस तरीके से ही उसका इंटरफेस रहता है या फिर अलग हो जाता है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो देख सकते हो एक बिना मोनेटाइज हुआ यूट्यूब स्टूडियो का जो पेज है, इंटरफेस है, तो कुछ इस प्रकार से मैं सारे पेज को यहाँ पर दिखा दूंगा। यहाँ पर डैशबोर्ड में हूँ, कंटेंट में जाऊँगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो सिंपली यहाँ पर एक भी मोनेटाइज हुआ अर्निंग का जो डॉलर का साइन है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर एनालाइज्ड में जाऊँगा तो सिंपली यहाँ पर रेवेन्यू का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कमेंट में जाऊँगा तो कुछ इस प्रकार से सेम ही है। अर्न में जाऊँगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरा कितना सब्सक्राइब हुआ, कितना वॉच टाइम हुआ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली अभी मैं डैशबोर्ड में आता हूँ और जो चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद उस चैनल को मोनेटाइज कर लिया है। तो सिंपली मैं उस चैनल को दिखाऊंगा और उस चैनल का जो चैनल का नहीं, सिंपली उस स्टूडियो का जो इंटरफेस रहता है तो इस तरीके से सेम रहता है या फिर कुछ अलग होता है, कुछ चेंजेस होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में देखेंगे और डिटेल्स में बात भी करने वाला हूँ। तो चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पर दूसरे चैनल को लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस आइकॉन में क्लिक करूँगा, लोगो दिखाई दे रहा है मेरा टेक्नोविवो का। तो सिंपली यहाँ पर लोगो में क्लिक किया, यहाँ पर एडो में क्लिक करेंगे और मेरा सामने जितने भी चैनल है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ है यहाँ पर ओपन कर लिया। तो सिंपली मोनेटाइज हो जाने के बाद चैनल का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस चैनल का नाम है टीवी बंगला। तो सिंपली इस चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है। तो यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है 1942 सब्सक्राइबर यहाँ पर मौजूद है और इस चैनल में अभी तक व्यूज़ नहीं चढ़े, तो सिंपली यहाँ पर अर्निंग भी नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो सिंपली कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस चैनल मोनेटाइज हुआ है। यहाँ पर कंटेंट में जाऊँगा तो कंटेंट में उसमें क्या दिक्कत है और इसमें क्या चेंजेस है आप देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो डॉलर का साइन दिखाई दे रहा है, उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एनालिस्ट में जाऊँगा तो सिंपली यहाँ पर उसमें ऑडियंस तक थे लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू भी आ गया है। मोनेटाइजेशन के बाद यहाँ पर ऑडियंस के बाद में एक रेवेन्यू का ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके बाद कमेंट सेक्शन मतलब जैसे है उस तरीके से सेम ही रहेगा। उसके बाद अर्न में जाऊँगा तो अर्न में भी जो पहले चीज़ है यहाँ पर, पहले जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेस्ट टू अर्न, उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट फीड, सुपर चैट, शॉपिंग वगैरह यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ऊपर में दिखाई दे रहा है हेलो टीवी बंगला, यू आर अ यूट्यूब पार्टनर, ठीक है। तो सिंपली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रहा है, क्रिएटर सपोर्ट, यह भी सेम है लेकिन इसके नीचे मेरा चैनल में कितने सब्सक्राइबर हुआ, कितना मोस्ट टाइम कंप्लीट हुआ, यहाँ पर एक डिटेल्स, यहाँ पर एक क्या वो बोलते हैं उसको डेटा शो हो रहे थे मेरा कितने सब्सक्राइबर गेन हुआ, कितना मोस्ट टाइम गेन हुआ, ठीक है, शॉर्ट्स से कितना व्यूज़ वहाँ पर गेन हुआ। तो सिंपली उस तरीके से एक डेटा यहाँ इसके नीचे शो हो रहे थे लेकिन उस डेटा इस यहाँ पर इस स्टूडियो पर नहीं सो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस चैनल मोनेटाइज हो गया है और इस चैनल में मैं अभी तक मतलब रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा है लेकिन इसमें व्यूज़ नहीं आ रहा है, इसके वजह से जो है उतने ज़्यादा अर्निंग इसमें नहीं हो रहा है। इस चैनल का नाम है टीवी बंगला। आप लोग भी जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो। इस चैनल में मैं बंगाली में वीडियोज़ बनाता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड होगा मोनेटाइजेशन होने के बाद इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोनेटाइज हो जाएगा तो आपका जो डैशबोर्ड होगा तो सिंपली इस तरीके से चेंजेस हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को पसंद आएगा। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।